हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के मूल कर्तव्य। इससे जो संभावित प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, जो भारत के मूल कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान द्वारा लिए गए। इससे जो संभावित प्रश्न बनेंगे इन सभी को आज हम लोग डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें, कोई भी क्लास को स्किप करके ना देखें, ताकि जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये किस अनुच्छेद में रखे गए तथा किस भाग में रखे गए, और मूल कर्तव्यों की बात की जाए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत रखे गए। किस भाग के अंतर्गत रखे गए? भाग 4 का के अंतर्गत। और अनुच्छेद की बात की जाए आर्टिकल 51A के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्य किसमें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए? मूल कर्तव्य रखे गए अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, प्रारंभ में हमारा जो संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, उस समय मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया गया था। तो कब किया गया? तो हमारे जो मूल कर्तव्य है संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किए गए। तो संविधान संशोधन 42 है, उसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? जो संविधान संशोधन 42 है तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। तो सभी लोग क्लास को नोट करते हुए चले, पॉइंट बाई पॉइंट नोट करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे। तो प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। क्या पॉइंट बना? जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो प्रारंभ में जो भारतीय संविधान बना था उस समय जो मूल कर्तव्य है इनका जिक्र नहीं किया गया था, इनका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था, इनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो पहला पॉइंट क्या बना कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। तो ये कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। अगला पॉइंट बनाएंगे, मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन बयालीसवें के अंतर्गत संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में, जो 1976 में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया या 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए।
कुल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 10। कितने जोड़े गए? 10। अब यहीं पर अगला पॉइंट बनेगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। तो 42वें में तो 10 ही जोड़े गए, 11वां किसके अंतर्गत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? तो अगला पॉइंट बनेगा मूल कर जो 11वां मूल कर्तव्य है ये संविधान संशोधन 86वें के अंतर्गत 2002 में जोड़ा गया। क्या है? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है इसको जोड़ा गया। अब किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद की बात की जाए अनुच्छेद 51 का और टा के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 51 टा के, 51 का और टा के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य रखा गया। अगला पॉइंट बनाएंगे 11वां मूल कर्तव्य। जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 में कब जोड़े गए? संविधान संशोधन 86वीं के अंतर्गत 2002 में के अंतर्गत 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 के अंतर्गत हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो अगला इसी में पॉइंट बनेगा जो हमारे मूल कर्तव्य हैं भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं ये किस समिति के द्वारा जोड़े गए? तो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये किस समिति के द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए। अगर पूछा जाए किस समिति के द्वारा लागू किए गए तो लागू किए गए वर्मा समिति के द्वारा। जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा और लागू किए गए वर्मा समिति के द्वारा। तो अगला पॉइंट बनाएंगे इसी में भारत के मूल कर्तव्यों को, भारत के मूल कर्तव्यों को, मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया या जोड़े गए, जोड़े गए। लागू किस समिति के द्वारा किए गए? तो लागू किए गए वर्मा समिति के द्वारा लागू किए गए, वर्मा समिति के द्वारा, समिति के द्वारा इनको लागू किया गया या चलाया गया। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस समिति द्वारा जोड़े गए? तो समिति की बात की जाए तो समिति हो जाएगी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, लागू किए गए वर्मा समिति के द्वारा। इसी में अगला पॉइंट बनेगा कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान द्वारा लिए गए? जो भारत में मूल कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान संशोधन संविधान द्वारा लिए गए या सोवियत संघ भी हम बोलते हैं रूस को। अगला पॉइंट बनाएंगे इसी में भारत के मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान द्वारा लाया गया। अगला पॉइंट बनाएंगे
भारत के मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान द्वारा लाया गया या संविधान से लाए किस देश से अगला पॉइंट इसी में बनेगा जो मूल कर्तव्य है विश्व में या दुनिया में सबसे पहले किस देश द्वारा अपनाए गए जो मूल कर्तव्य है दुनिया में सबसे पहले किस देश के द्वारा अपनाए गए तो वो देश हो जाएगा जापान किस देश में जापान अगला पॉइंट बनाएंगे कि दुनिया में सबसे पहले मूल कर्तव्यों को अपनाने वाला मूल कर्तव्यों को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है जापान कौन सा देश है जापान विश्व में सबसे पहले किस देश के द्वारा मूल कर्तव्य अपनाए गए थे तो वो थे जापान के द्वारा किस देश के द्वारा अपनाए गए जापान के द्वारा किस देश के द्वारा अपनाए गए जापान के द्वारा और किस देश के द्वारा लाए गए थे तो हो जाएगा रूस रूस द्वारा अपनाए गए लागू किए गए इससे जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है उनको हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा मूल कर्तव्य है जिस प्रकार भारत के लिए उनके अधिकार जरूरी है उसी प्रकार भारत के नागरिकों के लिए उनके कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है क्या है कि जिस प्रकार भारत के नागरिकों के लिए उनके अधिकार आवश्यक हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने के अधिकार आवश्यक है उसी प्रकार उनके कर्तव्य भी उनको करना पड़ेगा उनके जो कार्य है उनको करना पड़ेगा तो उनके लिए उनके कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है तो इसी में जिस प्रकार राज्य के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व आवश्यक है उसी प्रकार भारत के नागरिकों के लिए उनके कर्तव्य भी आवश्यक राज्य अपने अधिकारियों को करता है उसी प्रकार जो भारत के नागरिक है अपने कर्तव्यों को करेगा ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे अगर नहीं करने पर इनको दंड दिया जा सकता अगला पॉइंट इसी में प्रश्न पूछा जाए कि अगर भारत का कोई नागरिक है मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो क्या उसे सजा दी जा सकती है दंड दिया जा सकता है तो हम लोग आंसर करेंगे नहीं लेकिन कुछ शर्तों पर दिया जा सकता है तो शर्त क्या होगी कि अगर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति कार्य करता है उससे अलग कोई कार्य करता उसके विरोध में कोई कार्य करता है तो उसे संसद दंड देती है संसद के द्वारा दंड दिया जाता है संसद द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे प्रावधान हैं उनका उल्लंघन करने पर संसद उसे दंड दे सकती है दंड देना भी जरूरी अगर उनके कर्तव्य अगर वे कोई उल्टा सीधा भी कार्य करते हैं अगर उन्हें सजा नहीं दी जाएगी तो वे और करेंगे उन्हें नहीं रोका जाएगा तो और करेंगे इस प्रकार तो हमारे देश की व्यवस्था ही भंग हो जाएगी तो इसलिए उनको दंड देना भी आवश्यक है तब लोग पढ़ेंगे जो हमारे मूल कर्तव्य हैं 11 इनको भी कौन कौन से हैं संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं इसमें जो हमारा पहला मूल कर्तव्य है वो क्या है कि संविधान का पालन करें नागरिकों का कर्तव्य जो हमारा संविधान है उसका पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें क्या क्या जरूरी है भारत के नागरिकों के लिए कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका पालन करें और उसका निरादर ना करें उसके जो आदर्श हैं उसमें जो कार्य दिए गए हैं वो उनकी जो संस्थाएं उसके भारत के संविधान में जो संस्थाएं जोड़ी गई और जो राष्ट्रध्वज है हमारा जो तिरंगा है और राष्ट्रगान है इसका कोई निरादर ना करे
उसका आदर करें। जो हमारा राष्ट्रगान है, अगर ये कहीं होता है, ये जरूरी नहीं कि इसका इसको कोई गाए, अगर नहीं गाता है तो उसे कोई सजा नहीं देगा। अगर इसका किसी ने उल्लंघन किया, अगर कहीं हो रहा है तो आप लोग तो सीधे, अगर सुन लिया कहीं हो रहा है तो सीधे सावधान अवस्था में खड़े हो जाएंगे, तो इस प्रकार से कोई सजा नहीं देगा। अगर सुन लिया कि हो रहा, देख लिया कि राष्ट्रगान हो रहा है, हम लोग चले जा रहे हैं, तो इस प्रकार इसमें प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिकों को सजा दी जाएगी। तो हमारा पहला मूल कर्तव्य क्या था कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श और संसदों और राष्ट्रध्वज, हमारा जो राष्ट्रगान है उसका आदर करें, यह हमारा पहला मूल कर्तव्य था। और दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखना। जो हमारे स्वतंत्रता के समय जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनको प्रेरित करने वाले जो व्यक्ति थे, उनको अपने हृदय में, उनके उच्च विचारों को, उनके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में, मतलब उनके लिए सम्मान बनाए रखें और उनका पालन करें। उनके दिए गए जो उद्देश्य थे, उनके जो वाक्य थे, उनको हम लोग पालन करेंगे। ये किस मूल कर्तव्य में है? दूसरे मूल कर्तव्य में क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, जो प्रेरित करने वाले जो नेता थे, उनको हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। अगला पॉइंट क्या है? अगला मूल कर्तव्य तीसरा हमारा इसमें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें। क्या जो भारत में हमारी प्रभुता, एकता और अखंडता है, उसे उसकी रक्षा करें, उसकी देखभाल करें और उसे अक्षुण्य बनाए रखें, यानी कि सुरक्षित बनाए रखें। इसमें जो प्रभुता, एकता और अखंडता है, ये किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? ये जो शब्द है प्रभुता, एकता और अखंडता, ये संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत जोड़े गए थे। किसके अंतर्गत? संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत जोड़े गए थे प्रभुता, एकता और अखंडता। ये किस बात के अंतर्गत है? ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है। तो इसमें चौथा मूल कर्तव्य क्या होगा कि देश की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें और आहान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर कोई दूसरा राष्ट्र आकर यहाँ पर दंगा फसाद का आतंक फैलाता है तो हमें हमारे कर्तव्यों से कोई मना नहीं कर सकता, तो हम उसकी सेवा भी करेंगे, उनको रोकेंगे। ये नहीं कि देश की आर्मी आके रोकेगी, मुझे भी कुछ अधिकार, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जो हम उनका पालन करेंगे। ये किस भाग में बताया गया, किस कर्तव्य में? तो कर्तव्य हो जाएगा चौथा क्या है कि देश की रक्षा करें और उसके आहान किए जाने पर उसकी सेवा करें। अगला कर्तव्य क्या है हमारा? तभी अगला मूल कर्तव्य क्या दिया गया इसमें कि भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और जो धर्म, भाषा या क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये किस मूल कर्तव्य में बताया गया? मूल कर्तव्य 5। अब हम देखेंगे अगला मूल कर्तव्य 6, इसमें क्या दिया गया है। तो छठा मूल कर्तव्य हमारा कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परीक्षण करें। ये किस मूल कर्तव्य में बताया गया? ये बताया गया है मूल कर्तव्य 6 के अंतर्गत। अगला मूल कर्तव्य क्या दिया गया इसमें? अगला मूल कर्तव्य है 7 की पर्यावरण को तथा वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। क्या है 7वां मूल कर्तव्य? कि पर्यावरण को तथा वन्य झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बनाए रखें। ये किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत है? ये हमारा मूल कर्तव्य 7।
अगला मूल कर्तव्य क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन सुधार की भावना का विकास करें। इसमें आठवां मूल कर्तव्य क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन सुधार की भावना का विकास करें। ये किस मूल कर्तव्य में है? ये मूल कर्तव्य आठवां था। अगला मूल कर्तव्य हमारा नौ, इसके अंतर्गत क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने, हिंसा से दूर रहें। क्या है नौवां मूल कर्तव्य? कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। ये किस मूल कर्तव्य में बताया गया? मूल कर्तव्य नौ में। अगला हमारा इसमें मूल कर्तव्य दस, ये क्या कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की ऊंचाई को छू ले। दसवां मूल कर्तव्य क्या है हमारा कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सके। ये किस मूल कर्तव्य बताया गया? ये मूल कर्तव्य था हमारा दस। अगला हमारा मूल कर्तव्य ग्यारह, अब बात आती है जो ग्यारहवां मूल कर्तव्य है कि संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया। तो ग्यारहवां मूल कर्तव्य संविधान संशोधन, छियासीवां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? छियासीवां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ग्यारहवां मूल कर्तव्य है क्या कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालकीय शिक्षक के अवसर का प्रदान करें। क्या हमारा ग्यारहवां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालकीय शिक्षा का अवसर प्रदान करें? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जो, उनको शिक्षा देना जरूरी है। उनके माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। ये किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत है? ये मूल कर्तव्य है 11। तो ये थी हमारी आज की क्लास मूल कर्तव्य की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो प्लीज क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।